काटे का नहीं, आ जाइए ले लीजिए, कोई इशू नहीं होगा। ये देखिए एक ही पेड़ है लेकिन इस पेड़ के ऊपर जाकर सात तरह के पेड़ बन जाते हैं और सातों पेड़ों पर। अब हम जा रहे हैं हजरत शाह विलायत शरफुद्दीन वाले बाबा की दरगाह के अंदर और आपको दिखाता हूँ मैं दरगाह का कुछ किस तरह से मंजर। ब्लैक स्कॉर्पियन है और अगर इनको बाहर लेकर जाएंगे तो ये आपको काट लेंगे बिना इनकी इजाजत। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे कुन नए व्लॉग में। आज के व्लॉग में मैं आपको लेके जाने वाला हूँ उत्तर प्रदेश के यूपी दही समरोहा जिले में और वहाँ पर लेके जाके आपको मैं दिखाने वाला हूँ बिच्छू वाली दरगाह। हाँ, बिच्छू वाली दरगाह मैं आपको दिखाने वाला हूँ क्योंकि वहाँ पर 800 सालों से बिच्छू उस कब्र पे राज कर रहे हैं। क्या मसला है और क्या इसके पीछे कहानी है आप सभी को सबसे लास्ट में बताऊंगा। थोड़ी सी पहले बात सुन लीजिएगा, बिच्छू वहाँ पर दरगाह पर रहते हैं और उस दरगाह पर जितने भी लोग जाते हैं अपने हाथों में बिच्छू लेते हैं, वो बिच्छू उनको काटते नहीं है और फ्रेंडली उन्हीं के साथ रहते हैं और काफी ज्यादा उनको अपने कभी यहाँ बिठाते कंधे पर, कभी हाथों में लेते हैं, तो काफी फ्रेंडली बिच्छू है। और अगर उन बिच्छुओं को तुम बाहर लेकर जाओगे यानी कि बिना पूछे उसके ऑनर से, तो वो बिच्छू आपको काट लेंगे और आपको मार देंगे। तो बताया जाता है कि ये बिच्छू 800 सालों से उस दरगाह पर रहते हैं। तो चलिए गाइस चलते हैं जानने के लिए ये हकीकत है या नहीं है, तो बने रहिएगा एंड तक व्लॉग में। फाइनली गाइस मैं पहुंच चुका हूं मुरादाबाद और मुरादाबाद के इस वक्त हूं मैं पागबाड़ा में और कर रहा हूं अमरोहा वाली बस का इंतजार। और जैसे ही अमरोहा वाली बस आएगी हम अमरोहा वाली बस में चढ़ जाएंगे, फिर आगे की अपडेट मैं आपको देता रहूंगा, बने रहिएगा एंड तक व्लॉग में। फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं अमरोहा के ब्रॉडवेज बस स्टॉप पर और हमें यहां से अब बिच्छू वाली दरगाह के लिए एक ऑटो लेना पड़ेगा जो 20 रुपए सवारी है। सिर्फ यही बोलना है ऑटो वाले से कि बिच्छू वाली दरगाह पे जा रहा है तो वो 20 रुपए लेगा, 20 रुपए से ज्यादा नहीं लेगा। तो चलिए गाइस चलते हैं। चलिए हमें ऑटो मिल चुका है और अरकम भाई, ये अरकम भाई क्या हाल है? बस बढ़िया मेरे भाई। फाइनली गाइज मैं पहुंच चुका हूं अमरोहा के लकड़ा चौराहा पर। आप ये देख सकते हैं ये रहा लकड़ा चौराहा और आप ये देख सकते हैं ये जो पिलर खड़े हैं चार, ये हैं मुगल के पिलर और आप देख सकते हैं काफी टाइम से खड़े हैं। और ये जो है शाह विलायत द्वारा 1975 में बना था और बिच्छू वाली ज़ारत जो है वो अंदर को ही जाती है। मैं चल रहा हूँ बिच्छू वाली दरगाह के रास्ते पे और आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये जितने भी ये घर हैं और आप देख सकते हैं ये कब्रिस्तान है, सारी पक्की कब्र है और बिच्छू वाली दरगाह जो है वो अंदर है। आपको अंदर से हम नजारा दिखाने वाले हैं बिच्छू वाली दरगाह का और हाथ में लेकर भी दिखाएंगे बिच्छू की काटते हैं या नहीं काटते। दरगाह के जस्ट सामने ये देखिएगा आरामगाह है, इसको बोलते हैं रेस्ट हॉल और यहाँ पे सभी लोग आराम कर रहे हैं। और बिच्छू वाली दरगाह जो है वो ये रही सामने, ये जितनी भी है सब बिच्छू वाली दरगाह। मैं पहुंच चुका हूँ शाह विलायत शरफुद्दीन वाली दरगाह पर और आप देख सकते हैं ये जो है मेन गेट है और चलिए अंदर चलते हैं और लेते हैं हाथों में बिच्छू। और आप देख सकते हैं इधर कब्रिस्तान ही कब्रिस्तान। आइए चलिए अंदर। और आप जो देख सकते हैं वो है शाह विलायत शरफुद्दीन शाह की दरगाह। तो चलिए चलते हैं वहाँ पर, सभी लोग बैठे हैं, आवाज सुना लीजिएगा बड़ी खतरनाक। फाइनली गाइज मैंने एंट्री कर ली है शाह विलायत शरफुद्दीन वाले बाबा की दरगाह के अंदर और आप ये मेरे पीछे जो पेड़ देख रहे हैं ये एक ही पेड़ है लेकिन इस पेड़ के ऊपर जाकर सात तरह के पेड़ बन जाते, सातों पेड़ों पर अलग अलग तरह के फल आते हैं, ये बाबा की करामत है। और आप ये जो दीवार देख रहे हैं ये दीवार है आपका घोड़ा। पहले जमाने में जब आप दीन फैलाया करते थे तो उस वक्त आप इस दीवार पर बैठा करते थे और यही दीवार जो है घोड़ा बन जाया करती थी और आगे बढ़ा करती थी। ये बाबा की करामत है और आप देखिएगा ये लिख रहा है इबादतगाह हजरत सैयद हुसैन शरफुद्दीन शाह विलायत नकवी रहमतुल्लाह। इस दीवार को देखिएगा सही तरीके से, ये दीवार जो है इसको घोड़ा कहा जाता था और ये अभी भी घोड़ा ही। अब आप देखिएगा ये जितनी भी कब्रें हैं आपके फैमिली वालों की कब्र है और आप देख सकते हैं ये जो कब्र है ये वाली ये उनके पोते की कब्र है और ये जितनी भी सारी कब्रें हैं ये सब हजरत शरफुद्दीन बाबा के खानदान की कब्रें हैं। और अब हम चलते हैं मैं शरफुद्दीन वाले बाबा की दरगाह पर और लेते हैं हाथों में बिच्छू। अब हम जा रहे हैं हजरत शाह विलायत शरफुद्दीन वाले बाबा की दरगाह के अंदर और आपको दिखाता हूँ मैं दरगाह का कुछ किस तरह से मंजर। ये जो आप देख रहे हैं ये जो बाबा की ज़ारत है और जो वो देख रहे हैं वो बाबा के बैगन की ज़ारत है और आप देख सकते हैं ये जो टोपी है ये बाबा की टोपी है। और आइए अब हम चलते हैं बिच्छू लेते हैं हाथ में, जो बिच्छू हमें देखने को मिलेंगे वो यहाँ मिले। ये हजरत बैठे हैं, इन हजरतों के पास बिच्छू देखने के लिए मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। ये जो आप पेटी देख रहे हैं इन पेटियों के अंदर जो है वो बिच्छू है। आइए हम बिच्छू लेते हैं हाथों में।
निकालिएगा बिच्छू, ये रहे बिच्छू, ये देखिएगा ब्लैक स्कॉर्पियो इन्हें कहा जाता है। ये अब मैं हाथों में बिच्छू लूंगा कुछ इस तरह से, ये रहे। ये काटेंगे तो नहीं? नहीं नहीं, आप डरना हो बिल्कुल। ओहो, आप डरना हो। नहीं नहीं डरूंगा नहीं मैं बिल्कुल। ये देखिएगा बिच्छू ये बिच्छू ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरे ऊपर क्या ही बेड है। ब्लैक स्कॉर्पियन है और अगर इनको आप जहरीला है, अगर आप इनको बाहर लेकर जाएंगे तो ये आपको काट लेंगे बिना इनकी इजाजत के। कुछ इस तरह से बिच्छू है भाई। तो अंदर दिखाइएगा बिच्छू को, यहाँ बिठाइएगा जरा एक बार मेरे यहाँ बिठा दे, बिठा सकते हैं आप। और भाई साहब बता रहे हैं कि इन बिच्छुओं को लेने पर डरना बिल्कुल नहीं है, वरना ये उत्साहित हो सकते हैं बिल्कुल। ये देखिएगा, आप देखिएगा जरा, जूम करिएगा इनको बिच्छू। ओ माय गॉड, ये सब बाबा की करामत है और अल्लाह ने बाबा को इतना करामतों से नवाजा है बहुत ही ज्यादा। ये देखिएगा बिच्छू, यहाँ पे दिखाइएगा एक बार, ये देखिएगा कितने सारे बिच्छू। ये देखिए भाई, ये सबसे बड़ा बिच्छू मेरे ख्याल से यही है ना, ये सबसे बड़ा बिच्छू है। सबसे बड़ा बिच्छू कितना पुराना होगा ये बिच्छू, कितने साल पुराना? कई साल पुराना बिच्छू है। कई साल पुराना बिच्छू है, मतलब फिर भी कितना साल पुराना बिच्छू होगा? पाँच छह साल पुराना बिच्छू। पाँच छह साल पुराना बिच्छू है और 850 सालों से यहाँ पर बिच्छू अपना राज कर रहे हैं। किसी को काटते नहीं है, किसी को कुछ नहीं कहते, फ्रेंडली यहाँ पर रहते हैं। और इसकी हिस्ट्री मैंने बिल्कुल एकदम आपको लास्ट में बता ही दी है, बिल्कुल भी स्क्रिप्ट ना कर। ओह ये देखिए भाई, पहली बार हाथ में लिया है इसको, बहुत अजीब सा फील हो रहा है। ना 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 ना, डरना मत, उत्साहित हो जाएंगे फिर। अभी से पकड़िए, कुछ करना। ये देखिएगा एक आंटी ने काटेगा नहीं, आ जाइए ले लीजिए। ये बिच्छू है, ये किसी को कुछ भी नहीं कह रहा है, ये फ्रेंडली है बिच्छू और सभी के साथ फ्रेंडली हो जाता है। अगर आप इस बिच्छू को बाहर लेकर जाएंगे तो ये आपके काट ले और इन बगैर इजाजत के, और अगर आप इनकी इजाजत से लेकर जाते हैं तो 7 से 8 दिन भी आप इसे अपने घर पर रख सकते हैं। अदरवाइज 7 से 8 दिन ज्यादा हो गए तो ये बिच्छू आपको तब भी काट ले। जी जी, सबको पहचानना, तुम ही पहचान गए तो यहाँ आने के बाद सबको पहचानेंगे। और बात करें इन बिच्छू के खाने की, तो बताया गया है कि ये बिच्छू जो है, ये बिच्छू ये मिट्टी खाते हैं। और बताया जा रहा है कि ये 5 से 6 साल पहले इनको जंगलों से लाया गया था और जंगलों में ये पहले काटा करते थे, लेकिन जब जंगलों के बाद इस दरगाह में लाया गया तो इस दरगाह में अब ये बिल्कुल भी बिच्छू कुछ नहीं कहते हैं। जैसे कि मानो कि इनके अंदर काटने की कुव्वत खत्म हो गई हो या जहर खत्म हो चुका हो। ये देखेगा, ये सब मेरे खुदा की करामत है और खुदा ने बाबा को करामत, बहुत ही ऊंचे वाले मकाम वाले बाबा हैं। आप ये कागज देख रहे हैं, ये कागज क्या होते हैं आपको नहीं मालूम तो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो कागज है, ये कागज है एप्लीकेशन। इन एप्लीकेशन में लिखा जाता है जो भी को परेशानी होती है वो यहाँ पे बांधी जाती है। और आप ये देख सकते हैं, ये है बाबा का पूरा दरगाह, ये रही दरगाह बाबा की। मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज दिखाता हूँ जिससे आपको ये सब मसले मसाइल समझ आ जाएंगे। ये देख रहे हैं आप शजरा, इसको जनरेशन ट्री कहा जाता है। अरकम भाई बताइएगा जरा। देखिए गाइस, मैं खड़ा हूँ शरफुद्दीन नकवी रहमतुल्लाह अलैह की फैमिली हिस्ट्री पर, या फैमिली ट्री कह सकते हो। तो हम बताते हैं आपको, सबसे पहले ये आप देख रहे हैं हजरत अब्दुल मुत्तलिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादाजी थे, और ये हजरत अब्दुल्ला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बू जान थे। अब्दुल्ला से हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो हजरत अबू तालिब, ये चाचा थे। हजरत इमाम अली, ये आपके दामाद भी थे और चाचा जात बेटे भी थे। ठीक है, फातिमा ज़हरा, ये आपकी बेटी थी और इनके दो बेटे हजरत इमाम हुसैन और हजरत हसन अलैहि सलाम। तो इसी तरह से पूरी पीढ़ी चलती आ रही है। आप जो आए थे वो 1272 में अमरोहा में आए थे, जो जन्मे थे आपकी जो दुनिया में तशरीफ लाए जैन शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, तो 1255 में लाए, और जो आपकी वफात हुई वो 1343 में हुई। सो फाइनली गाइस, जैसे कि मैंने आपको बिच्छू वाले बाबा की दरगाह दिखाई कि बिच्छू वहाँ पर कैसे रेंग रहे, और मैंने अपने हाथों में भी लेकर दिखाया आपको और एक एक डिटेल्स बताई है कि ये दरगाह कहाँ पर है, कैसे आना है, कैसे नहीं आना है। और मैंने वीडियो के शुरू में बात की थी कि मैं आपको इसकी एक एक हिस्ट्री सबसे लास्ट में बताऊंगा, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करना। हजरत शफरुद्दीन जो है वो अरब से आए थे, उनके पीर ने कहा था कि ए शफरुद्दीन, ऐसी जगह जाओ जहाँ पर आपको
आम और अंडा और मछली खाने को मिले तो वो भारत की ओर आए। भारत के अमरोहा जिले में आकर वो रुक गए और उनके सामने एक औरत एक थाली में आम मछली लेकर जा रही थी, जिस वजह से उन्होंने कहा कि ए औरत मुझे जरा भूख लग रही है, जरा मुझे ये खाने के लिए दीजिए। जब उन्होंने देखा कि इसमें आम मछली है तो उन्होंने कहा कि हाँ मेरा मकसद पूरा हो चुका है। अब उन्होंने अमरोहा के अंदर डेरा डालने की सोचा तो तभी एक नसरुद्दीन शाह बाबा है उनका पैगाम हजरत शफरुद्दीन के पास आता है। हजरत नसरुद्दीन साहब के पैगाम में लिखा होता है कि ए शफरुद्दीन आप यहाँ नहीं रुक सकते क्योंकि पहले ही यहाँ पे बहुत ही ज्यादा वाली है। हजरत शफरुद्दीन ने जवाब में कहा कि ए नसरुद्दीन मेरा तो मकसद यहाँ पे पूरा होता है, मैं यहीं रुकूंगा। तो हजरत नसरुद्दीन ने उनको कहा कि जब आप फौत हो जाएंगे तो आपकी कब्र पर बिच्छू रहेंगे। तो हजरत शफरुद्दीन ने भी जवाब में कहा कि ठीक है आप अल्लाह के वली हैं, ऐसा हो सकता है। हजरत शफरुद्दीन ने भी जवाब में कहा कि आप भी जब फौत हो जाएंगे तो आपकी कब्र पर भी गधे घोड़े रहेंगे जो कि बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो यही सब कहानियां 800 साल से चलती हुई आ रही हैं। फाइनली गाइज ये थी हजरत शाह विलायत शरफुद्दीन रहमतुल्लाह आले की हिस्ट्री और मैंने आपको शरफुद्दीन शाह के बारे में बताया और पूरा आपको मैंने दरगाह दिखाया, एक एक चीज बताई मैंने। काफी ज्यादा अच्छा लगा, काफी ज्यादा मजा आया। और बाकी आपको ये मेरा ब्लॉग कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना ना भूले। बाकी आपको मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। धन्यवाद।